महिलाओं ढोंग करती है। कौन बोलता है? ढोंग करती है। कौन बोलता है? वो जेंट्स सब बोलते हैं। ऐसे देखिए, ये मंदिर कहा जाता है हजारों साल पुराना है, ऊपर से सारा ढलाई भी मंदिर का निकल रहा है। ऐसे देखिए, कोई भी पुरानी चीजों को कोई भी चाहे कि हम उसको बचा के रखें, बचा कर, क्योंकि आप जान रहे इसके बारे में, आने वाली पीढ़ी को भी तो जानना जरूरी है कि उनके गांव में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। एक बार फिर से एक नए व्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ आज जुड़े हुए मिस्टर विशेष चतुर्वेदी जी, एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी बाढ़ की जितने भी लोग हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और ये भाई बहुत दूर से आए हैं और बहुत मेहनत करके आए हैं, आप इनका साथ दीजिए। सबसे पहले जो भी ये वीडियो बनाते हैं, कम से कम आप शेयर करिए, आपसे एक रुपया नहीं मांगते हैं। सबसे बड़ी चीज रहता है, कोई भी क्रिएटर का सबसे बड़ा बात रहता है, इनको प्यार चाहिए रहता है। ये आपसे एक रुपए की मांग नहीं करते हैं, तो आप कम से कम बस इनके वीडियो को शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा बाढ़ के लोगों के पास पहुंच पाए। और ये पुराने पुराने चीज आपको दिखा रहे हैं जो मिटने वाली है, विरासत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं का भी सबसे बड़ा चीज विरासत होता है, विरासत से ही कहीं किसी भी स्थान का पहचान होता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि आपका एक लाइक एंड आपका एक शेयर हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, एंड उन चीजों को देख करके ही हमें लगता है कि ऐसे ऐसे और भी चीजों को एक्सप्लोर किया जाए और आप तक पहुंचाया जाए। आपको बता दूं कि फिलहाल आपका भाई ऋषभ पहुंचा हुआ है गुआसा से पूरा में, और हमारे पीछे एक मंदिर है। आपको बता दें कि इस मंदिर का नाम कहा जाता है कि रंगनाथ मंदिर है, और ये करीबन आज से हजारों साल पुराना है। तो फिलहाल आज के व्लॉग में इसे कवर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस मंदिर का इतिहास और यह मंदिर कितना पुराना है। तो हर तरीके से चीजों को जानने का प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ विशेष जी जुड़े हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर के बारे में ही मैं बताना चाहूंगा कि मंदिर बहुत पुराना है, ये गांव गुबासा से पूरा है, और ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ मतलब आसपास के लोकल एरिया में ये सबसे बड़ा मार्केट एरिया था। और यहाँ के मतलब बहुत प्रसिद्ध बर्नवाल जी थे, उनका ये पर्सनल मंदिर था। तो आप देख सकते हैं इस मंदिर को, आपको ऋषभ जी घुराएंगे और कुछ कुछ जानकारी हम देंगे ऑफ कोर्स। और जो भी पुराने लोग मिलेंगे, चाहे वो अंदर में कुछ महिलाएं हो जाए, चाहे अंदर में अगर हम लोग को कोई पंडित जी मिल जाते हैं, तो हम लोग सारे चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बता दें कि इस मंदिर का लोकेशन, आप गुआसा से पूरा पहुंचेंगे तो मेन कहा जाता है कि चौक के पास में ही आपको यह मंदिर मिल जाएगा। एंड अब चलते हैं इस मंदिर के अंदर में। अंदर में आपको बता दें कि फिलहाल काफ़ी सारी महिलाएं हैं इस गांव की, जो अंदर में अपना जो पूजा का काम होता है, जो चर्चा वाला काम होता है, सारा कर रही हैं। चलिए अंदर चलते हैं और आपको इस मंदिर की क्या कुछ विरासत है, क्या कुछ कहानियाँ हैं, क्या कुछ बचे हुए अवशेष हैं, वो सारे चीज़ों को आपको दिखाते हैं और मंदिर के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं आज हमारे फ्रेंड साथ में हैं और हम मंदिर के अंदर परिसर में पहुंच गए हैं। आप देखिएगा, तमाम महिलाएं हैं जो बहुत समय से यहाँ पर पूजा करती हैं। जैसा बताया जा रहा है कि कोई शिव चर्चा, यहाँ पर शिव चर्चा किया जाता है, जो हर जगह मतलब आप देखते हैं कि महिलाएं करती हैं। तो ये आज उसका खासियत बताएंगी कि कब से ये मंदिर में कर रही हैं और इससे क्या फायदा है लोगों को, इनको क्या तमाम फायदा मिलता है। तो आपका सबसे पहले स्वागत करता हूँ मैं, और ये बताएंगे आगे। मैं जो हूँ मुख्य रूप से, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा ना कि जैसे ये जो मंदिर वो किस देवता को समर्पित है? ये मंदिर है गण भोले बाबा का, शिव भगवान का, और राम भगवान है, लक्ष्मण है और सीता है। आप ये बता सकते हैं कि जो मंदिर है ये करीबन कितना वर्ष पुराना है अभी से? कितना बरस पुराना है जो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा 30 बरस हो रहा है, तो उससे पहले मंदिर की तैयारी है, उससे भी पहले। बहुत पुराना, बहुत पुराना। तो ये मंदिर ऐसा समझ में आता है देखने से कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये मंदिर जो है चला आ रहा है। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, 76 साल और पहले से ये मंदिर। 76 साल? हाँ, पहले से मंदिर। 76 साल से आप देख रहे हो? हाँ हाँ, मंदिर उसके पहले से। ऐसा सुनने में आता है कि मंदिर हजारों साल पुराना है। हाँ हाँ, ये कि पुराना। मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे ये मंदिर एकदम चौक पर है, इस मंदिर में क्या कोई खास पूजा पाठ आयोजन ये सब कभी होता है? हाँ हाँ, होता है, होता है। और पूजा नहीं होता, बड़ा बड़ा पूजा इसमें होवे नहीं करता।
क्यों नहीं होता है, क्या नहीं होता है? नहीं समारी जल चढ़ावे करा है, शिवरात में होवे करा है, नहीं किसे बड़ा पूजा कैसन बड़ा पूजा अच्छा आप लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से इमारत आप देख सकते हैं उधर दिखाई है, पेड़ पौधे उग गए हैं, तो क्या मतलब इसको बचाने के लिए आप लोग तमाम प्रक्रिया नहीं कर रही हैं? जैसे मतलब इस मंदिर को बचाया जाए, इतना पुराना है, आप लोग का विरासत है, तो इसके लिए कुछ काम यहाँ के लोग नहीं करते हैं? अरे ये सब तो हम नहीं बता सकते नहीं। जैसे देखिए ये मंदिर कहा जाता है हजारों साल पुराना है, ऊपर से सारा ढलाई भी मंदिर का निकल रहा है, ऐसे मतलब कोई लोग यहाँ नहीं जो इस मंदिर पे कुछ काम किया जाए, कुछ विकास हो, कुछ नहीं? नहीं, इसमें मसाला भी खुला है, बच्चा सब पढ़ता है, लेकिन कुछ नहीं सोच रहे हैं इसके बारे में। बताइए तलक नहीं हो रहा है, लेकिन हम सब पेंट होता है वो भी नहीं हो रहा है। ये शिव भगवान के बाबू आप भी बना सकते हैं, ऐसा बात की नहीं है, मेरा है, आपको नहीं है, सबके है। भगवान ने सबका है, उनको आए जीवन में गुरु बनाना, सबसे पहली बार आए मौका ऑफर आया है बनाना, सबके है, लेडीज हो चाहे जेंट्स है, ये सबके काली खा जाएगा, लेकिन सबके ही बनाना है गन, जीवन में पहली बार मौका मिला है भैया जी बनाने के, आओ ये ला कर धर दिए हैं साहे भैया जी ने हरिंदर। हम सबके जप और तप करना नहीं है भैया जी, जप और तप तो सब कुछ कर करके और ला करके धर दिए हैं भैया जी ने हरिंदर, कि सब दिन शमशान जाए, मसान जाए और 12 बरस के उम्र से। आप कुछ इसका एग्जांपल दे सकते हैं? जैसा मैं जानता हूँ कि इसको करने से कुछ, आप लोग ऐसा घटना बता सकते हैं जो आपका पूर्ण हुआ मनोकामना, कोई एक आधो घटना जो बहुत बड़ा? हाँ बहुत घटना हम बीता है मेरे साथ, आओ बहुत महादेव जीवन में गुरु है तो हल किए। हाँ मतलब निजी तौर पे आपको फायदा मिला है? हाँ बहुत फायदा मिला, बहुत फायदा मिला। आप लोग को भी? हाँ बहुत फायदा मिलता है चर्चा करने से, ना हम बता नहीं सकते उतना समय नहीं, रात सुबह से लेकर के रात बीत जाएगा फिर भी झरेगा नहीं। अच्छा आप सब लोग, आप सब लोग सारे लोग इसी गांव के हैं, तो आप सब लोग एक समूह होंगे, एक समूह में है? सब लोग हम सब भाई समूह नहीं रहता है, और बहन की नाता है, तो जैसे आप लोग कभी आवाज नहीं उठाते कि जैसे आप लोग कब से इस मंदिर में आ रहे हैं, मतलब रोज आते हैं? नहीं ये हफ्ता में एक बार, हफ्ता में एक बार सोमवार के सोमवार आते हैं, और आकर के अपना सभी लोग जुड़ करके एक साथ जो है अपने बैठ के करते हैं। अच्छा मैं एक अलग चीज देख रहा हूँ, आप लोग ये हाथ में ये पहने हुए हैं, इनके हाथ में भी, तो इसके बारे में कुछ आप जानकारी देंगे लोगों को? हाँ भैया जी। हाँ तो ये क्या मतलब, क्या किस रूप में, मतलब रात से हम? हाँ 12 महीना होता है, हाँ, हाँ, और 12 नक्षत्र होता है, हाँ, हाँ, इस हर महीना में एक ग्रह रहता है, और उस ग्रह पहनने से कटता है। आप देख रहे हैं बात की ये अथी है, शिव चर्चा के वर्दी है, हैं इसको पहनने से पहचान में आता है। हाँ देख रहा हूँ मैं, सब पहने हुए हैं, आप कैमरा से दिखाइएगा, सब इनके हाथ में भी है, इनके हाथ में भी, इनके हाथ में भी है, तो गुरु के प्रणाम होता है, इसलिए भैया जी जो इसमें जुड़ गए हैं उनका पहनना बहुत अनिवार्य है। स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसको ड्रेस होता है, हाँ, ड्रेस, हाँ, शिव चर्चा वाली के शिव शिष्यो के ये पहचान है, ये ड्रेस है, कंगन है, ये कंगन है, आओ 12 रुद्राक्षगण 12 दिशा के 12 ग्रह के 12 महीना के 12 नक्षत्र के ये काल काटा से बचाता है। आप देखिए इन लोगों ने तमाम प्रकार की जानकारी दी, पूरी तरह से कवच जो कहते हैं ना कि कवच है गन, कवच विशेष बात हो इसे धोए का नमो शिवाय करे का दे है तो कुछ हल हो जाए, कल्याण हो जाए, उनका नाम ले है तो कुछ कल्याण तो जरूर हो जाए, तब तो इतना आदमी जुट गए। आप देख सकते हैं इन लोगों ने तमाम प्रकार की जानकारी दी, अब आपको ऋषभ भाई पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर दिखाएंगे और सारा मंदिर घुमाएंगे। मंदिर का स्ट्रक्चर दिखाने से पहले मैं आप लोग से जानना चाहूँ कि आप लोग जो हफ्ता में एक दिन आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए, तो आप लोग यहाँ के कोई भी जो होंगे उसे आवाज नहीं उठाते कि भाई मंदिर का काम होना चाहिए, इसको फिर से बनाने का काम करिए, अब इसका हालत बहुत खराब हो रहा है? हम नहीं कहते हैं कि सब महिलाएं ढोंग करती है। कौन बोलता है? ढोंग करती है। कौन बोलता है? वो जेंट्स सबको बोलते हैं कि ढोंग सब करती है। चलिए वो अलग बात है, वो उनका देखिए
समझिए मेरी बात को, देखिए देखिए ये हर लोगों की अपनी एक मानसिकता होती है कि कौन क्या कर रहा। आप जान रहे कि आप अपने काम में श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये मंदिर तो कोई ढोंग नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, हजारों साल पुराना है। इसको बचाने के लिए तो किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। यहाँ कोई भी वार्ड मेंबर होंगे, मुखिया होंगे, कोई तो होंगे, तो उन तक बात पहुँचाया जाता है आप लोग के द्वारा? तो आप लोग भी नहीं बात पहुँचाते हैं? आप लोग अच्छा देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से तो पहुंचा ही रहा हूँ। आप लोग इतने सारे यहाँ पे ग्रुप में लोग हैं, तो आप लोग कभी क्यों नहीं पहुंचते कि भाई इस मंदिर को बनवाइए, देखिए हालत बहुत खराब हो रहा है। भैया जी 2.5 साल से चल रहे हैं, इसमें मतलब क्लास चलता है। हाँ क्लास, ये क्लास महादेव बाबू अभी प्रयास में लगा लिए एक बारे में की पोतैया हो गई मुखिया के द्वारा। जरूर देखिए, सिर्फ पेंट होना जरूरी नहीं है, इस मंदिर में बहुत ही खस्ता हाल है। कब कौन सा हिस्सा गिर जाएगा नहीं पता। मान लीजिए आप ही बैठे हुए हैं, कहीं से कोई हिस्सा गिर जाए, किसी के सर पर गिर जाए, चोट लग जाए, तो नुकसान आप ही को है। कोई नहीं चाहता बनाने के लिए, कोई नहीं चाहता है मंदिर को बनाने के लिए, कोई नहीं चाहता पैसा लगाना, बात सही है, लेकिन प्रयास करने से कुछ होगा। आप लोग इतने सारे संख्या में लोग हैं, आप लोग पहुंचे, मिलिए, प्रेशर बनाइएगा, दबाव बनाइएगा, तो लोग जरूर काम करेंगे। मंदिर बनना चाहिए, बनना चाहिए। देखिए कोई भी पुरानी चीजों को कोई भी चाहे कि हम उसको बचा के रखें, बचा कर, क्योंकि आप जान रहे इसके बारे में, आने वाली पीढ़ी को भी तो जानना जरूरी है कि उनके गांव में क्या चीजें खास थी, क्यों उनका गांव जाना जाता था, किस चीज के लिए प्रसिद्ध था। तो अगर ये बचेगा ही नहीं तो फिर मैं क्यों पहुंचता। जैसे मैं बताता हूँ, मुझे यहाँ से किसी ने मैसेज किया था कि भैया यहाँ पे कोई हजारों साल पुराना मंदिर है, अगर आप आ सकते तो आ करके इस पर एक वीडियो बनाइए। नवरात्रि से पहले मुझे मैसेज आया था, तो मैं यहाँ पर कोशिश करके पहुंचा, तो मैं देखा कि आप लोग की इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। मंदिर का हालत मैंने देखा तो बहुत पुराना है, इसका जो संरचना है लग रहा है कि अब बहुत कमजोर हो चुका है, तो ये चीजों को बनाना, फिर से इसको पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी है। बहुत दिन पहले के मंदिर को कमजोर रहे करेगा, टूटना चालू हो जाएगा। समय समय पर रिपेयरिंग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो चीजें विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा तो फिर किसी काम का नहीं है, ना मैं जान पाऊंगा, ना आने वाली पीढ़ी इसके बारे में जान पाएगी। तो फिलहाल अगर आप लोग अभी यहाँ पे रहते हैं, आते हैं, तो आप लोग को आवाज उठाना पड़ेगा। आप तो दोस्तों ये कुछ इस मंदिर की कहानियां आपको बता दें कि मंदिर का हाल फिलहाल अभी बहुत खराब है। तो मैं यही इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा आगे कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हैं, तो इस मंदिर पे काम जरूर करवाएं, क्योंकि ये जो मंदिरें हैं ये हम लोगों की विरासत है, जो कि एक तरीके से खत्म होता जा रहा है। अगर ये मंदिर इस तरीके से रहेगा तो आगे आने वाले समय में फिर खत्म हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी इसके बारे में जान नहीं पाएगी। तो फिलहाल विशेष भैया क्या बोलना चाहेंगे? यही मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले जितने लोग देख रहे हैं इसको शेयर करिएगा कि सबके पास ये पहुंचे, और जो यहाँ के जो भी मतलब वार्ड में जो भी जीते हुए हों या मुखिया हों उनके पास तक ये वीडियो पहुंचाना आपका काम है, बनाना इनका काम था। 1 रुपया नहीं लेते हैं, कोई फायदा नहीं है, बस यही है कि आपसे प्यार है, बस प्यार चाहते हैं और कुछ नहीं। आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये वीडियो कम से कम जाके उन मुखिया के पास पहुंचे, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके पास पहुंचे और इस मंदिर को सुधार करवाने का कार्य करें। तो ये कुछ रहा ग्वासा शेखपुरा का यह मंदिर जो कि करीबन हजारों साल पुराना, इसके बारे में बताया जाता है। तो खैर इस तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी हमारे बाढ़ के अलग अलग गांव में जो भी और पुराने पुराने जो भी मंदिर हो गए या जो भी पुराने अवशेष हो गए उसके बारे में कहानियां आप तक लेकर के आते रहें। तो जब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड विशेष चतुर्वेदी जी को हमारे तरफ से स्पेशल थैंक्स रहेगा क्योंकि हमारे साथ इस मंदिर में पहुंचे थे। ये टैंक का वैल्यू जब रहेगा जब आप लोग शेयर करेंगे। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में।